अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमें एक बच्चे पर दो लोगों ने पिता होने का दावा ठोक दिया, लेकिन प्रशासन और बाल संरक्षण आयोग की मदद से डीएनए टेस्ट करवाकर बच्चे को उसके जैविक पिता को सौंप दिया गया है। सियासत के सबसे बड़े सूरमा रहे एनडी तिवारी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन पर एक लड़के रोहित शेखर ने अपना पिता होने का दावा ठोका था। बाद में अदालत ने तिवारी जी को रोहित शेखर का जैविक पिता घोषित किया था। दो लोगों ने ठोका एक बच्चे पर दावा, दोनों बच्चे को बता रहे अपना बेटा। डीएनए रिपोर्ट में हुआ खुलासा। ऐसा ही एक मामला सिरोही में सामने आया है। यहां दो लोगों ने एक बच्चे पर अपना बेटा होने का दावा ठोका है। मामला जब बढ़ गया तो प्रशासन और बाल संरक्षण आयोग की मदद से डीएनए टेस्ट करवाकर बच्चे को उसके असली पिता को सौंप दिया गया। मैं अपने बच्चे के लिए जो कर रहा था, इसमें मेरे को लगा कि मेरा बच्चा मेरे को मिल रहा, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई खुशी नहीं होगी। और मैं इस कमेटी पे मैंने विश्वास सब छोड़ दिया था, तो गवर्नमेंट ने जो काम किया है, अपने जो सिरोही के कलेक्टर साहब और सब ने मेरे को मेरा बच्चा सौंपा है रिपोर्ट के हिसाब से, तो मैं बहुत खुश हूँ। बाल संरक्षण समिति के सदस्यों के मुताबिक मामला सिरोही जिले के रेवदर तहसील और जालौर जिले का है। दरअसल जालौर की एक महिला का वहीं के युवक से प्रेम प्रसंग था, लेकिन 2014 में युवती की शादी सिरोही जिले के युवक से हुई। साल 2017 तक वो ससुराल में ही रही। इस दौरान महिला अपने पूर्व प्रेमी से संपर्क में आई। 2017 के अंत में ही महिला की डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद वो बच्चे को लेकर अपने प्रेमी के साथ रहने लगी। 2020 में महिला की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके पहले पति ने बच्चे को दिलवाने की न्यायिक गुहार लगाई, लेकिन प्रेमी ने बच्चे पर अपना दावा पेश किया, जिसके बाद रेवदर उपखंड अधिकारी ने मामले को जिला बाल अधिकार संरक्षण समिति के पास भेज दिया। इसके बाद समिति ने बच्चे के जैविक पिता की जानकारी के लिए डीएनए टेस्ट करवाया। डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनिवार, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद की मौजूदगी में बच्चे को उसके जैविक पिता जो कि युवती का पति था उसे सौंप दिया गया। ये कुछ समय पहले मामला सामने आया था, जिसमें एक बच्चा नीड एंड केयर वाले बच्चे के लिए दो लोग कस्टडी रख रहे थे, और इसको देखते हुए यहाँ की बाल कल्याण समिति ने गंभीरता से लिया और बाल आयोग को भी इसके बारे में बताया। 6 से 7 माह पूर्व बालक आया था, इसका डीएनए करवाया जाए ताकि सही चीज़ सामने निकल कर आए। तो डीएनए करवाया गया और डीएनए में जो पिता पाया गया उनको आज इस बच्चे को सुपुर्द कर दिया। अब लड़की के जो पति को ये पता चला कि भाई वो बच्चा मेरा है जो उसके प्रेमी के पास है वो, तो उसने दावा किया अपना। तो अब फाइनली डीएनए टेस्ट से ये पता चला है कि वो बच्चा उस पति का ही है, तो वो बच्चा उसको हैंडओवर किया जा रहा है। अपने 4 साल के बेटे को पाकर पिता की आंखें नम हो गईं और बेटा भी अपने पिता के गले से लिपट गया। पिता बेटे से मिलने पर फूले नहीं समा रहा था। पिता महिला आयोग का धन्यवाद अदा करते थक नहीं रहे। साकेत गोयल, जी।